सिटाडेल हनी बनी जो कि वरुण धवन, समांथा और केके मेनन की सीरीज है, जो अभी अमेजोन प्राइम पे रिलीज हो चुकी है, जिसे जस्ट अभी मैंने देख के खत्म किया है और जेन्युइनली कह रहा हूँ सीरीज मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि बहुत टाइम बाद मुझे बॉलीवुड की तरफ से एक बहुत अच्छी ग्राउंडेड सीरीज देखने को मिली है। और ग्राउंडेड इन द सेंस, इस सीरीज में हमें जो एक्शन देखने को मिलता है, जो हैंड टू हैंड फाइट्स देखने को मिलती है, वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक रखी गई है, जो जेन्युइनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। क्योंकि मैंने आप लोगों से इससे पहले भी सैकड़ों बार कहा है कि मुझे हैंड टू हैंड फाइट्स और जो भी चीजें ग्राउंडेड और रियलिस्टिक रखी जाती है वो मुझे बहुत पसंद आती है, और ऐसा ही कुछ मुझे इस सीरीज में देखने को मिला, जिसकी वजह से ये सीरीज मुझे पसंद आ गई। और ऊपर से इस सीरीज को बनाया है राजा एंडीके ने, जिन्होंने इससे पहले द फैमिली मैन, फर्जी और ऐसी ही कुछ और भी अच्छी अच्छी सीरीज बनाई है, और प्रोड्यूस किया है नन अदर देन अपने रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने मार्वल की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड गेम और सबसे बेस्ट फिल्म यानी कि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर ये भी बनाई थी। तो हाँ, उन्होंने इस सीरीज को प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट तो नहीं किया लेकिन हाँ प्रोड्यूस किया है। अब देखो, ये सीरीज राजा एंडीके ने बनाई है और इसमें एक्शन भरा पड़ा है, तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि सीरीज में आप लोगों को बहुत सारे वन टेक एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो हैंड टू हैंड फाइट्स हो, चाहे वो गन फाइट्स हो, चाहे वो चेसिंग सीन्स हो। तो हाँ, एक्शन वाइज ये सारी चीजें आप लोगों को इस सीरीज में देखने को मिलेंगी और बहुत सी चीजें आप लोगों को वन टेक में देखने को मिलेंगी, तो हाँ उसे देखने में मजा तो जरूर आता है। और ऊपर से इस तरीके के ग्राउंडेड एक्शन सीन्स को करते हुए हम लोग वरुण धवन और समांथा को देख रहे हैं, जो आई गेस हम लोगों ने इससे पहले तो नहीं देखा है, क्योंकि जैसा कि मैंने इससे पहले भी बहुत बार कहा है कि वरुण धवन की फिल्में थोड़ी सी ओवर द टॉप होती है और थोड़ी सी क्रिंजी फील देती है, लेकिन इस सीरीज में वरुण धवन ने जेन्युइनली मुझे सरप्राइज किया, अपनी एक्टिंग के साथ भी और अपने एक्शन के साथ भी मैं इम्प्रेस्ड हो चुका हूँ। और रही बात समांथा की, तो भाई साहब सच कह रहा हूँ, समांथा मुझे बहुत पहले से पसंद है, मैंने उसकी बहुत सारी साउथ की फिल्में देख रखी है, मतलब क्या ही एक्ट्रेस है वो, दिखने में तो खूबसूरत है ही है, लेकिन इस सीरीज में आप लोगों को वो एक्शन करते हुए भी नजर आएगी और उनकी एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त है इस सीरीज में। अब एक्टर्स की बात निकली है तो मैं केके मेनन को कैसे भूल सकता हूँ, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ भाई साहब इतने टैलेंटेड एक्टर है कि इस सीरीज के जिस भी सीन में हमें वो नजर आते हैं पूरा का पूरा सीन उनका हो जाता है, मतलब उनके अलावा हम किसी को देख ही नहीं सकते, उनका ऑरा ही वैसा है, उनका प्रेजेंस ही वैसा है, उन्हें देखने का मन करता है, जो इस सीरीज में भी आप लोगों को फील होगा, मतलब उन्होंने इस सीरीज में बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और सरप्राइज तो मैं तब हुआ जब मुझे इस सीरीज की चाइल्ड एक्ट्रेस ने सरप्राइज किया, मतलब वो लड़की इतनी छोटी है फिर भी इतने अच्छे से डायलॉग डिलीवरी कर रही है, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, उसके एक्सप्रेशंस देखने लायक है और हम लोग उसे इस सीरीज में अडोर करते हैं, इतनी प्यारी सी एक्ट्रेस है वो। और जेन्युइनली एक बात कहूँ, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इस सीरीज को ना पसंद क्यों कर रहे हैं, क्रिटिक्स की तरफ से इतना कम स्कोर क्यों मिला इसे और इतनी कम रेटिंग्स क्यों मिल रही है इस सीरीज को, क्योंकि भाई सब जेन्युइनली कह रहा हूँ मैंने खुद इस सीरीज को देखा है और मुझे ये सीरीज उस रेटिंग की तो लगी ही नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा ये डिजर्व करती है। आई नो कि ये सीरीज द फैमिली मैन या फिर फर्जी वाले लेवल की नहीं है, लेकिन उससे कम भी तो नहीं है। बट खैर, ये तो मेरे पर्सनल ओपिनियंस हो गए, अगर आप लोगों ने ये सीरीज देखी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बट अगर स्टोरी वाइज इस सीरीज को देखा जाए तो इसमें दो टाइमलाइंस की हमें कहानियां दिखाई गई है, एक तो है 1992 की और एक है 2000 की। यानी 1992 में इन्होंने जो एक बहुत बड़ी स्पाई एजेंसी खोली है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और ये लोग 2000 में आके बिखर कैसे गए और उनकी अभी स्टोरी क्या चल रही है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और समांथा का कैरेक्टर जिसका नाम है हनी, वो इन सब में कैसे इन्वॉल्व हो जाती है और बनी के साथ इसका क्या कनेक्शन है और बनी कौन है, ये सारी चीजें आप लोगों को इस सीरीज में देखने को मिलेंगी, जो मैं तो स्पॉइल नहीं करना चाहता क्योंकि ट्रेलर में भी हमें बहुत हद तक बहुत सी चीजें पता नहीं चलती। बट हाँ, बहुत बड़ा सस्पेंस भी नहीं है, फर्स्ट एपिसोड में ही आप लोगों को पता चल जाएगा। बट हाँ, सीरीज इंटरेस्टिंग है, जो दो टाइमलाइंस के बीच में ये जो जंप लेती है वो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा कि कैसे चीजें रिवील होती है, कैसे सस्पेंस खुलते जाते हैं और उससे जो स्टोरी क्लियर होती है वो आप लोगों को पसंद आएगा। और एक चीज मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हॉलीवुड की जो सिटाडेल सीरीज थी जिसमें हमें प्रियंका चोपड़ा नजर आई थी, उसी सीरीज की ये प्रीक्वल स्टोरी है। बट सच कहूँ तो हॉलीवुड वाली सिटाडेल मैंने खुद भी नहीं देखी है, जिसकी वजह से मेरे लिए सब कुछ नया था और मुझे नहीं लगता कि सीरीज में वैसे भी हमें उस सीरीज के कोई ज्यादा बड़े हिंट्स मिले होंगे। बट हाँ, एक हिंट है जो मैंने नोटिस किया है, जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, जो आप लोग अगर खुद भी नोटिस करोगे तो पता चल ही जाएगा। इसके अलावा अगर इस सीरीज के थोड़े से निगेटिव पॉइंट्स के बारे में अगर देखा जाए, जो कि उतने बड़े निगेटिव पॉइंट्स भी नहीं है जिन्हें हम लोग इजीली निगलेक्ट कर सकते हैं, बट हाँ वो है तो मैं बताऊंगा। तो पहला जो पॉइंट मुझे लगा कि कुछ एक्शन सीन्स जो है, जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स वाले एक्शन सीन्स है, उनमें हमें कोरियोग्राफी फील होती है। यानी जो इंटेंसिटी होती है ना एक्शन सीन्स की, जो हमें रियल फील होते हैं, इसमें भी रियल फील होते हैं, बट कुछ कुछ जगह पे हमें ऐसा लगता है कि ये कोरियोग्राफ्ड है। मतलब एक बंदा अगर ऐसा कर रहा है तो दूसरे बंदे के ऐसे करने की बारी है,
ये हम समझ जाते हैं, बट हाँ ये बहुत कम है लेकिन नोटिसेबल है इसलिए मैंने बताया। और दूसरी चीज है वो भी एक्शन के रिलेटेड ही है, क्योंकि इन लोगों ने इस सीरीज में वन टेक्स का बहुत ज्यादा यूज किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक्शन सीन्स की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम फील होती है। लेकिन इन वन टेक्स का फायदा ये भी है कि हमें ऐसा फील होता है कि हम भी उन्हीं एक्शन सीन्स के दौरान वहां पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अभी जो मैंने निगेटिव पॉइंट बोला है वो एक तरीके से निगलेक्ट ही हो जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग सोच रहे हो कि क्या इस सीरीज को आप लोगों को अपना टाइम देना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज के एपिसोड्स ऑलमोस्ट एक एक घंटे के हैं और 6 एपिसोड्स है, यानी कि 6 घंटे आप लोगों को देने पड़ेंगे, तो क्या ये सीरीज वो डिजर्व करती है? तो मैं कहूंगा कि हाँ डिजर्व करती है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सी नई चीजें देखने को मिली है जो हमें बॉलीवुड में बहुत कम देखने को मिलती है। तो क्यों नहीं, जरूर देखिए इस सीरीज को। बट हाँ ये चीज ध्यान में रखना कि इस सीरीज में थोड़े से वल्गर वर्ड्स का यूज किया है, थोड़ी सी गालियां वालियां है, और वरुण धवन का एक हमें बम वाला शॉट देखने को मिलता है, पूरे कपड़े नहीं पहने हैं, और हाँ वो भी है तो देख लेना, फैमिली के साथ देखना है या नहीं देखना है आपकी मर्जी। बट खैर अगर आप लोगों ने ये सीरीज देखी है तो आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। सो मिलता हुआ इसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।